ज्यादा मार्क्स पे कम परसेंटेज आना इज लाइक अनएक्सपेक्टेड थिंग. आई डोंट नो कि अभी एनटीए का खत्म होने के बाद में सीईटी सेल ने कुछ ऐसा स्कैम टेंशन लेना इज नॉट द सॉल्यूशन. ठीक है, सेल्फ डाउट करना इज नॉट द सॉल्यूशन. और जो हो चुका है वो हो चुका है. ठीक है, अपने अंदर बिलीव करना मत रखो. ठीक है, आपको जितने मार्क्स आए वो आपके मेहनत के मार्क्स थे, आपके जितने परसेंटेज आए वो आपके मेहनत के परसेंटेज है. ठीक है, तो ये मत सोचो कि मुझ में कुछ क्वालिटीज नहीं है, या फिर ये मत सोचो कि मतलब किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिली है, या 4 साल में क्या करूँगा. अगर आपको भी रीसेंट स्कोर है और आपको भी ऐसा लगता है कि हमको रीसेंट कॉलेज मिल सकता है, रीसेंट कैसे. एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल. इतने सारे झमेले के बाद जो भी आपने प्रॉब्लम्स झेली कल अपने रिजल्ट को देखने के टाइम पे, आई नो कि वो फियर क्या होता है जब हम लोग कोई रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, और रिजल्ट कितनी बार चेक कर लो आता ही नहीं है. मैंने खुद अपनी कजिन का चेक किया एंड वो आ ही नहीं रहा था. फ्रेंड का चेक करने की कोशिश की फिर भी नहीं आ रहा था. 2-4 बार ट्राई किया एंड देन फाइनली 8-8:30 बजे के पास उनके रिजल्ट उन्होंने खुद ढूंढ के मुझे बता दिए. ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई है. अब किसी किसी को ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल आए हैं, और किसी किसी को कम परसेंटाइल पे कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल आए हैं. तो इतनी सब चीज़ें हो गई है. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल आना इज़ लाइक अनएक्सपेक्टेड थिंग. आई डोंट नो कि अभी एनटीए का ख़त्म होने के बाद में सीईटी सेल ने कुछ ऐसा स्कैम वगैरह किया है, नहीं पता नहीं. बट जिनके साथ भी ये हुआ है, मे भी अगर ऐसी जगह पे मुझे भी ऐसा कुछ होता, अगर मुझे भी ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल मिलते तो भी मैं डिसहार्टेंड हो जाती, मुझे भी पूरा बुरा फील होता, मुझे भी सेल्फ डाउट आता कि भाई इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद में हमारे को हमारे मनपसंद मार्क्स नहीं मिले. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है शिफ्ट पे डिपेंड करती हैं. ये मे भी शिफ्ट के वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, उस शिफ्ट में ज़्यादा ही हाईएस्ट मार्क आ गए होंगे किसी के. अब पता नहीं अभी क्या सीन है इसका, बट इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो भी सीईटी सेल ही देगा. ठीक है, अगर किसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया. फिलहाल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें कम परसेंटाइल मिल चुके हैं, क्या हमें एडमिशन मिलेगा, क्या हमें किसी कॉलेज में एडमिशन कोई देगा. तो देखो भाई, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि आपको कोई कितने भी परसेंटाइल क्यों ना हो, आपको कोई भी कॉलेज एडमिशन देने से तो मना नहीं करने वाला. ठीक है, कि तुम्हें कम मार्क्स है, तुमने तुम्हारे को हम लोग एडमिशन नहीं देने वाले, परसेंटाइल कम है तुमको. तो इतना तो याद रखो कि कोई भी इंजीनियरिंग, अगर आपको सपोज इंजीनियरिंग करनी है तो आपको तो कोई कॉलेज मना करने वाला है नहीं. ठीक है, कॉलेज में 19-20 हो सकता है, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो. ठीक है, वो सब चीज़ें अलग है, बट आपको कॉलेज से एडमिशन लेने से कोई रोक नहीं सकता कि आपके परसेंटाइल कम है, ये है वो है. ठीक है, ये सब चीज़ें बोल के तो आपको एडमिशन तो कोई भी कॉलेज में मिल सकता है. ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ आपको कॉलेज के साथ करना पड़ेगा अगर आपको कम परसेंटाइल है तो. और अब जब यहाँ आ चुके हो, यहाँ तुम्हारे हाथ में तुम्हारा स्कोर कार्ड आ चुका है, तो अब ये सोच के कोई फ़ायदा नहीं है कि यार मुझे कम परसेंटाइल मिले हैं, ये है वो है. तो अब सोचो कि 4 साल बाद मैं क्या करूँगा, इन 4 सालों में मैं कैसे ग्रो करूँगा. पता है जब आपका एडमिशन हो जाता है ना कोई कॉलेज में, तो आपको कोई पूछता नहीं है कि आपके परसेंटाइल कितने थे या फिर क्या था. बस वो एक बार पूछते हैं, उसके बाद में तो वो कभी पूछते नहीं है. 4 साल में आपने क्या सीखा, 4 साल बाद आपको वो पूछा जाएगा कि आपने 4 सालों में, इन 4 सालों में क्या क्या सीखा है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो. ठीक है, तो करिकुलम, अगर करिकुलम जो है वो सेम ही रहता है कोई भी कॉलेज का. ठीक है, आपको करिकुलम पता है, आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ सकते हो, अवेलेबल है सारी सोर्सेज पे, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, अगर आप कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज के साथ, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आप स्टडीज़ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करो. स्टडी आप कहीं से भी कर सकते हो, देर आर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सोर्सेज जहाँ से आप हर चीज़ पढ़ सकते हो. इस लाइक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में तो सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, तो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आप अपनी नॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. ठीक है, तो अब से ये सोचो कि अगर आपको आपके पेरेंट्स, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम ड्रॉप लेते हैं, ये लेते हैं, तो बट खुद को पहले पूछो कि भाई मैं ड्रॉप के लिए भी रेडी हूँ कि नहीं हूँ. ठीक है, सब कुछ अपना सही से सोचो, अपने तरीके से सोचो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो इन सब चीज़ों को लेके. अपने तरीके से सोचो कि भाई सही में मैं ड्रॉप लेने के लायक हूँ, या फिर सही में ड्रॉप लेके मैं पढ़ने वाला हूँ, या सही में मुझे ड्रॉप इस परसेंटाइल पे एक्स वाई जेड
परसेंटाइल पे हमने ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप ये खुद सोचो। किसी को पूछने से ये जवाब आपको नहीं मिलने वाले, खुद के दिल को पूछो कि भाई सही में ये सब चीज़ें मुझे काम आने वाली है कि नहीं, सही में मुझे ड्रॉप लेना ज़रूरी है या नहीं है। देखिए मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपने ड्रॉप के बारे में सोचना तो नहीं चाहिए। अगर आपको डिसेंट स्कोर है, आपका डिसेंट कॉलेज मिल रहा है आपको डिसेंट प्लेसमेंट्स के साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे डिसेंट स्कोर आ गया तो मैं उस डिसेंट स्कोर में खुश थी। अगर आपको भी डिसेंट स्कोर है और आपको भी ऐसा लगता है कि हमको डिसेंट कॉलेज मिल सकता है, डिसेंट प्लेसमेंट्स के साथ में मिल सकता है और नॉलेज के साथ तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं रहे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर अगले वीडियोस हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉलेजेस की लिस्ट कैसे बनाए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें आने वाली है अगले वीडियोस में, बहुत नॉलेजेबल आने वाली है, इंफॉर्मेटिव आने वाली है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड येस, अपने अंदर बिलीव करना मत रोको, ठीक है। आपको जितने मार्क्स आए वो आपके मेहनत के मार्क्स थे, आपको जितने परसेंटाइल आए वो आपके मेहनत के परसेंटाइल है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मुझ में कुछ क्वालिटीज़ नहीं है, या फिर ये मत सोचो कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं देंगे, या 4 साल बाद में क्या करूँगा। तो 4 साल बाद का जो फ्यूचर है ना आपका, वो बहुत अच्छा सोचो, ठीक है। वो नॉलेजेबल होना चाहिए, जर्नी जो है आपकी वो नॉलेजेबल होगी और सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज के साथ ही स्टक हो जाओ कि भाई कॉलेज अच्छा नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, ऐसे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मे बी आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी इस वीडियो में। एज अ एल्डर सिस्टर मैं आपको यही समझाऊंगी कि भाई टेंशन लेना इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। सेल्फ डाउट करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पूरा इन्जॉय करो, ठीक है। जितनी प्रोसेस जो भी है आपके एडमिशन तक की, सारी चीज़ें पेशेंटली करो, ठीक है। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। यू कांट गो ऐसे पीछे एंड फिर उसको उसके बारे में चेंज कर सकते नहीं हो तुम लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें हो चुकी है एंड नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ, जो आपको ट्रॉमा देके गया आपका रिजल्ट, तो ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मे बी आपको इसमें से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा, अगर मिला होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने ऐसे रोज के साथ भेज देना भैया जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट्स इट, बाय बाय।